दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। यदि आप भी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आपको भी लगता है कि आपकी आवाज़ दूसरों से काफ़ी अलग है और आपकी आवाज़ दूसरों के लिए बहुत प्रभावशाली है, तो आप भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के फील्ड में अपना करियर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वॉइस ओवर आर्टिस्ट की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर इन्फॉर्म में। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनकी आवाज़ लोगों के लिए बहुत खास होती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का स्कोप आज बहुत ही तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अलग अलग प्रकार की फिल्मों और टीवी सीरियलों में अपनी आवाज़ का प्रदर्शन करते हैं। ये कलाकारों को अपनी आवाज़ देते हैं और फिल्म प्रभावशाली बनाते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर किसी एक्टर को किसी भाषा की जानकारी नहीं होती तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट उन्हें अपनी आवाज़ देते हैं, मतलब उनकी स्क्रिप्ट को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्हीं को हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट कहते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक शानदार फील्ड है। इस फील्ड में आकर आप अपनी आवाज़ को एक अच्छा प्रोफेशन दे सकते हैं और दुनिया को अपनी आवाज़ से इम्प्रेस कर सकते हैं और नाम कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट की स्किल्स के बारे में। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपको लैंग्वेज की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसी के साथ आकर्षक और दमदार आवाज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी आवाज़ के थ्रू लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकें और लोग आपको पसंद करें। आपको उसके बाद शब्दों की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। शब्दों की अच्छी समझ आपकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की स्किल्स को निखारती है, जिसकी वजह से लोग आपकी आवाज़ को पसंद करते हैं। इसके साथ आपके पास रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और टॉकिंग की भी अच्छी हैबिट्स होनी चाहिए। आपको अपनी आवाज़ को करेक्टर के हिसाब से बदलना आना चाहिए, जिससे आप किसी भी करेक्टर की आवाज़ को आसानी से बोल सकें। आपकी आवाज़ के साथ साथ लिपसिंग की भी आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। इन सारी खूबी के साथ साथ आप एक अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसके साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट विभिन्न प्रकार के करेक्टर के अनुसार अपनी आवाज़ को किसी भी लहजे में बोल सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी कार्टून्स मूवीज, कार्टून्स या एनिमेशंस होते हैं, उन सभी के पीछे एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ही आवाज़ होती है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ही कमाल होता है। आइए अब हम जानेंगे कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास 12th और किसी भी स्ट्रीम से डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन नहीं भी होती है तो भी आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस फील्ड में अपनी आवाज़ और नॉलेज और बोलने की क्षमता को परखा जाता है और आपकी प्रोनाउंसिएशन को भी परखा जाता है, तभी आप एक बेहतर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाते हैं तो इस फील्ड में आपको करियर के अनगिनत ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड फिल्म, टीवी सीरियल, एडवर्टाइजमेंट फिल्म, न्यूज़ चैनल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉरपोरेटर फिल्म, रेडियो आदि जगहों पर आप जॉब पा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल बहुत से फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट और मीडिया इंस्टीट्यूट वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट जैसे कोर्स कराते हैं। इन कोर्सेज की अवधि 3 से 6 महीने की होती है। इस कोर्स के दौरान वॉइस मॉड्यूलेशन, लिपसिंग, वॉइस प्रोनाउंस, वॉइस एक्सप्रेशंस आदि के बारे में सिखाया जाता है। मास कम्युनिकेशन और एक्टिंग कोर्स करके भी आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोर्स की फ़ीस क्या होती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की फ़ीस हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग होती है। लगभग 3 से 6 महीने की कोर्स फीस 30,000 से 70,000 तक होती है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट की फ़ीस के बाद अब हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट से ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोर्स कर सकते हैं। द वैली स्कूल,
JBI इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस, आइसन्स बैग फिल्म्स, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, एकेडमी ऑफ रेडियो मैनेजमेंट, मुंबई फिल्म एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयज कल्चर एंड डिजिटल डबिंग इंस्टीट्यूट आदि इंस्टीट्यूट से आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के कोर्सेज को कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के बाद अब इसमें सैलरी कितनी होती है आप जानने के लिए बेताब होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इनकम के हिसाब से ये फील्ड काफ़ी बड़ा है। इस फील्ड में आप एक फ्रीडम करियर बना सकते हैं। इसका काम उस समय आप ही पर डिपेंड करता है। इस करियर में आप 500 रुपये प्रतिदिन से लेकर 50,000 रुपये प्रतिदिन तक कमा सकते हैं। आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये महीने तक जा सकती है। इस फील्ड में आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने की। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन्फॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।